हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने फोन में जो स्मार्ट गेस्चर्स होते हैं उनको कैसे इनेबल कर सकते हैं और कैसे अपने यूज में ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा स्मार्ट एंड कन्वीनियंट। इस पे क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने ऑप्शन मिल जाएगी गेस्चर एंड मोशन। अगर आपको ये यहाँ पे ना मिले, आपके फोन की सेटिंग अलग हो सकती है, तो आप अब यहाँ पे ऊपर सर्च भी कर सकते हैं गेस्चर एंड मोशन के लिए। मेरे यहाँ पे है तो मैं इसी को क्लिक करता हूँ। गेस्चर एंड मोशन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगी। एक तो आपके पास ये थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, इसको आप इनेबल कर लें ताकि जब भी आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप अपने फोन के ऊपर थ्री फिंगर का यूज करके जब भी स्लाइड करोगे तो आपका जो स्क्रीनशॉट है वो कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर दिख रहा है स्क्रीन ऑफ गेस्चर, इसके ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर जब भी आप जाओगे तो आपको ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल मिलेगा, तो आप इसको इनेबल कर ले। उसके बाद आपको जो कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं अपने स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स के लिए। जब भी आपकी स्क्रीन ऑफ होगी उसके ऊपर जब आप डबल टैप करोगे जैसे, तो आपकी स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगी अगर आप इस वाले को इनेबल कर देते हो। और अगर आप कैमरा इनेबल को इनेबल करते हो तो जब भी आप अपने फोन पे आपकी स्क्रीन ऑफ होगी, आप ओ ड्रॉ करोगे अपनी फिंगर के साथ, तो आपका कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। उसी के साथ आपको फ्लैशलाइट के लिए वी गेस्चर मिल जाएगा। उसी के साथ आपको फ्लैशलाइट के लिए वी गेस्चर मिल जाएगा, जिसको इनेबल करने के बाद अपनी स्क्रीन पे जब भी वी ड्रॉ करोगे तो आपका जो फ्लैशलाइट है वो ऑन हो जाएगा। उसी के साथ आपको म्यूजिक कंट्रोल करने के लिए भी कुछ गेस्चर दिए गए हैं, जिससे आप अपने म्यूजिक को नेक्स्ट म्यूजिक, प्रीवियस म्यूजिक प्ले कर सकते हो और उसको प्ले पॉज भी कर सकते हो उसको इनेबल करने के बाद। उसी के नीचे आपको कुछ कस्टम जो स्क्रीन गेस्चर्स है वो मिल जाएंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस की लिस्ट खुल जाएगी, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं अपने फोन को स्लाइड अप करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो उसको अनलॉक कर सकता हूं ताकि जब मैं अपने फोन को स्लाइड अप करूं तो वो अनलॉक हो जाए। चाहे तो मैं कॉल कर सकता हूं, जब भी मैं अपने फोन को स्लाइड अप करूंगा तो वो किसी पर्सन को कॉल करेगा। उसके लिए आपको इस पे टैप करना होगा और आपके सामने आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें आप अपने कोई भी कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और जब भी आप फिर स्लाइड अप करेंगे अपनी स्क्रीन ऑफ पे तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन को कॉल लग जाएगी। और आप तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है ऐप स्टार्ट करने का, तो इसके अंदर आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास अपने ऐप की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें से आप अपने पसंदीदा ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि जब भी आप अपने फोन की जो स्क्रीन है उसमें आप स्लाइड अप करोगे, जब आपका फोन ऑफ होगा मतलब लॉक्ड होगा, तो आप जब भी अपने फोन पे स्वाइप अप करोगे तो आपको जो ये ऐप आपने सिलेक्ट किया है वो ओपन हो जाएगा। ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि आप डब्ल्यू ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, आपका फोन अनलॉक होगा, कॉल होगा या फिर आपका फोन का कोई ऐप जो है वो इनेबल होगा। तो ये अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हम बैक आते हैं तो आपको ये स्मार्ट कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये अलग अलग जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाएंगे। जैसे कि फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, जैसे कि आपके फोन पे जब भी कोई कॉल आएगी अगर आप अपने फोन को फ्लिप करके नीचे रख देते हैं तो आपका जो कॉल है उसकी रिंग है जो आपका फोन म्यूट पे लग जाएगा। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से आप अपने फोन का जो यूज है उसको और भी स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं।